तरह का अलर्ट और अपनी किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी अगर कोई आपकी तरफ से निर्देश जारी हो अधिकारियों को और पुलिस के साथ समन्वय? देखिए, बाढ़ मानसून के पीरियड में नगरीय क्षेत्र में बाढ़ जो आती है वो यदि नाले क्लियर ना हो, यदि हमारे कॉगुलेशंस बने हों, जो हमारी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइंस हैं उसमें कहीं कहीं कचरा फंसा हुआ हो तो उसके कारण से बाढ़ निर्मित होती है। और जो पानी का जो नेचुरल रास्ता है उस पर यदि किसी ने अतिक्रमण कर लिया हो तो उसके बहाव को जब रुकता है तो फिर एक बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी स्वतः ही ऐसा आमतौर पर देखते हैं जब तक कि बहुत ही अत्यधिक अति वर्षा ना हो, जब तक कि बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होती है। मानसून के सीज़न में पानी आना स्वाभाविक है। आज के डेट में लगभग हम 30% 952 mm इंदौर का एवरेज रेनफॉल है, हम लगभग 30% इसको आज सुबह तक के पूरा कर चुके हैं। गत रात को हमारे यहाँ पर 48 mm बरसात हुई है, लेकिन पूरे शहर में और बाकी अन्य ग्रामीण क्षेत्र में भी यद्यपि सारी नदी नालियाँ उफान पर जरूर हैं लेकिन खतरे की कोई विषय सामने नहीं आई है। नगर निगम के तरफ से, बिजली विभाग के तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, होमगार्ड की तरफ से, SDRF की तरफ से और ओवरऑल जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। बरसात में पानी आना स्वाभाविक सी बात है, हम अतिवृष्टि के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं सभी से फिर से अपील करना चाहूँगा कि सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है, विशेषकर बच्चों के लिए, विशेषकर ऐसे पर्यटन के स्थल जहाँ पे आमतौर पे लोग बारिश के मौसम में जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अति उत्साह और हमारे एडवेंचर के स्पिरिट में हम कोई ऐसी गलती कर बैठें जिसका कॉस्ट हमें चुकाना पड़े। तो मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों पे विशेष ध्यान दें, रोड पर चलने वाली गाड़ियों पे भी, ड्राइवर्स को भी बोलूंगा यदि कहीं पर पानी आपको भरा दिखता है तो रिस्क ना ले, किसी चीज़ को सहज ना ले। हम सभी लोग यदि सावधानी बरतेंगे तो बिना किसी विघ्न के हम लोग का पूरा पूरा सीजन निकल जाएगा।